हेलो बच्चों, यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है। द कन्वेयर बेल्ट इज डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैकेज ऑफ वेरियस वेट। ईच 10 kg पैकेज हैज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इक्वल टू 0.55। इफ द स्पीड ऑफ कन्वेयर बेल्ट इज 5 m/s एंड देन इट सडनली स्टॉप्स, डिटरमाइन द डिस्टेंस द पैकेज विल स्लाइड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो देखो बच्चों, अगर मैंने आपसे बोला कि इसको अगर हमने सडनली रोक दिया, लेकिन इसके पास तो वेलोसिटी होगी v, ठीक है। मान लो कन्वेयर बेल्ट पहले इधर जा रहा होगा v वेलोसिटी से, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5 m/s। अब देखो फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को खत्म करता है। तो फ्रिक्शन आपका कैसे लग जाएगा, पीछे की तरफ, बिकॉज ऑफ द कन्वेयर बेल्ट, दैट इज म्यू के इंटू एन, है ना। तो देखो बच्चों, तो म्यू के इंटू एम जी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट बच्चों, m इंटू ए, और ये a रिटार्डेशन है बच्चों, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू के इंटू जी। अब देखो बच्चों, एक्सिलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से मेरे पास, 0.15 मल्टीप्लाई बाय 9.8, ठीक है बच्चों। तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाएगा आपका 1.47 m/s². ओके बच्चों, अब देखो रिलेटिव मोशन स्टॉप हो जाए, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, 5 m/s। लेट से टाइम लगा t, सो v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, ठीक है। यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा है बच्चों, नेगेटिव, दैट इज माइनस का 1.47, तो रख दो 0 इज इक्वल टू 5 माइनस 1.47 इंटू t। सो यहाँ से देखो बच्चों, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, ओके दे आर asking for the displacement, यार why we are finding time निकालना ही नहीं है हमें, तो displacement बोला है ना, तो third equations of motion use कर लेंगे, that is v square equal to u square plus 2s। यहाँ पर देखो बच्चों, final velocity 0, initial velocity is 5 का square minus 2 into 1.47 into s, तो s की value यहाँ से कितनी आ रही है बच्चों, 25 divided by 2 into 1.47, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये एस की वैल्यू आ रही है हमारे पास 8.5 m। ओके, थैंक यू।